दुनिया की सबसे अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाली चीज़ें। नंबर एक पर है बर्ड नेस्ट रेस्टोरेंट। ये रेस्टोरेंट थाईलैंड में 12 मीटर ऊंचे पेड़ पर लोकेटेड है। इस रेस्टोरेंट को बहुत खूबसूरत तरीके से नेचर के बीच बनाया गया है। इस नेस्ट को कस्टमर को बैठाकर एक रस्सी की मदद से ऊपर उठाया जाता है, किसी लिफ्ट की तरह। और इसकी सबसे खास बात तो ये है कि इसमें खाना सर्व करने वाला वेटर तक एक जीप लाइन की मदद से वहाँ पर आता है और आपको खाना सर्व करता है, जो पूरे रेस्टोरेंट को काफी इंटरेस्टिंग और खास बना देता है। सच में ये बहुत ही कमाल का रेस्टोरेंट है। अगर आप कभी थाईलैंड जाते हैं तो आपको यहाँ एक बार जरूर जाना चाहिए। दूसरा नंबर पर है द एडवांस कैबिनेट। दोस्तों, आजकल के ज़माने में हवाई यात्रा के दौरान भी कई तरह की घटनाएं हो जाती है, जिससे हजारों फीट ऊपर उड़ रहे जहाज में लोगों का जान बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए एक कंपनी ने एक ऐसे एडवांस कैबिनेट को डिज़ाइन किया है जिससे जहाज में खराबी आने पर या खतरा महसूस होने पर यह कैबिनेट अपने आप ही अलग हो जाएगा और इससे इसमें यात्रा करने वाले लोगों की जान बचाई जा सकती है। ये कैबिनेट जहाज से अलग होकर पैराशूट की मदद से जमीन या पानी में लैंड करेगा और दोस्तों इस तरह से सैकड़ों लोगों की जान आसानी से बचाई जा सकती है। वैसे दोस्तों, आपने कभी प्लेन में सफ़र किया है या फिर नहीं, हमें कमेंट में ज़रूर बताना। तीसरे नंबर पर है ग्रोटा डेला पुल। इटली के सैलोटो द्वीप पर समुद्र के पास पानी का एक बहुत ही सुंदर प्राकृतिक पुल है जो चारों ओर से पत्थरों से घिरा हुआ है। ये प्राकृतिक तरीके से ऐसा नेचुरल स्विमिंग पूल है जो खुलेआम आसमान के नीचे स्थित है। लोग इसमें छलांग लगाकर डुबकी लगाते हैं। शांत आइलैंड में बने होने के कारण इस अनोखे स्विमिंग पूल को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन अब गर्मी के मौसम में इस पूल में हजारों की संख्या में लोग यहां पर आते हैं। इटली के आसपास रहने वाले लोगों के लिए ये समय बिताने का सबसे खूबसूरत जगह है। चौथे नंबर पर है पेनिनफेरा ट्रैक्टर। दोस्तों, इस ट्रैक्टर को स्पेशली फ्रांस में अंगूर की खेती करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों, फ्रांस अपने यहाँ वाइन के लिए काफ़ी मशहूर है, जिसकी वजह से वहाँ अंगूर की खेती भी काफ़ी मात्रा में होती है। अंगूर के पौधे बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और जब इसमें अंगूर को तोड़ा जाता है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इनके पौधे को कोई नुकसान न पहुंचे। इसलिए इस ट्रैक्टर में एडजस्टेबल टायर और विंडशील्ड भी दी गई है और इसका डिज़ाइन भी पेनिनफेरा कंपनी ने बनाया है। ये इटालियन कंपनी फरारी जैसी गाड़ियों को डिज़ाइन करने के लिए मशहूर है। तो दोस्तों, आपका इस शानदार ट्रैक्टर के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट में ज़रूर बताना। पाँचवें नंबर पर है सोशल शेल्टर। दोस्तों, आपने अक्सर ऐसे कई लोगों को देखा होगा जिनके पास रहने के लिए छत तक नहीं होती और दिन में तो वो घूम फिर कर अपना समय निकाल लेते हैं, मगर रात का वक्त इनके लिए काफ़ी दिक्कतों से भरा होता है क्योंकि रात में उन्हें सामान की चोरी और कीड़े मकोड़ों का भी डर रहता है। ऐसे लोगों की मदद करने के लिए एक कंपनी ने शेल्टर होम को बनाया है जो सार्वजनिक जगहों पर जैसे पार्क में लगाए जाएंगे, जो सिर्फ रात के वक्त ही खुलेगा और नॉर्मल समय यानी दिन में ये अपने आप ही अंडरग्राउंड हो जाएगा। ये जमीन से कुछ फीट ऊपर ऊंचाई पर होगा ताकि बरसात के दिनों में बारिश और आंधी का भी डर नहीं रहेगा, मतलब ये काफ़ी सुरक्षित शेल्टर होगा। छठवें नंबर पर है ओशियन रेस्टोरेंट। बोरा में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिसे समुद्र के अंदर ही बनाया गया है। जी हाँ, समुद्र के अंदर आपकी टेबल लगी होती है, आप डिनर और लंच का मजा ले सकते हैं। ये बहुत ही यूनिक और ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट है। यहाँ पर डिनर करने का बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है। सातवें नंबर पर है कैन फोन। दोस्तों, इस फोन को देखकर जरूर आपको कोका कोला के कैन की याद आ रही होगी। जी हाँ, कोका कोला के 75 साल पूरे होने पर उनके एक कस्टमर जो मोबाइल डिज़ाइन करने का काम करते थे, उन्होंने इस फ़ोन को डिज़ाइन किया है जिसका शेप बिल्कुल कोका कोला के कैन की तरह है। ये फ़ोन बिल्कुल किसी कोका कोला की तरह ही लग रहा है, जिसे देखकर लोग काफ़ी आकर्षित हो रहे थे। इसे बनाने के लिए मेटल का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, इस शानदार फ़ोन के लिए एक लाइक तो बनता है। वैसे दोस्तों, आपके पास कौन सी कंपनी का फ़ोन है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।